हाय एंटरप्रेनर्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में। ऑनलाइन बिज़नेस लाइक आप बड़े बड़े जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे करते भी होंगे और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे करने के बारे में, ऑनलाइन सेलिंग बिज़नेस के बारे में। तो आप सभी को पता है नाउ डेज़ जो हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है और जो कोविड की जो क्राइसिस चल रही है, स्थिति जो है कितना गंभीर चल रहा है डे बाय डे, और उसके कारण बहुत सारे लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जॉब भी चला जा रहा है। तो उनमें से लोग सोच रहे होंगे कि हम घर बैठे बैठे कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो अच्छे तरीके से हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जो बिग जाइंट प्लेटफॉर्म्स है लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ग्रॉफर्स है या फिर स्नैपडील है। तो कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज़ हैं जिस पे हम डील करें तो हम एक तरह से फंसे नहीं और हमारा ऑर्डर भी जल्दी आ जाए, और उसी पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसे हम लिस्ट करें और उस पे तुरंत हमें ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाए, उसका ही हम बिज़नेस करें जिस पे जो अभी चल रहा हो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोविड के कारण हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि जितने भी स्टोर्स हैं जो नॉन एसेंशियल हैं, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं आते हैं, जो भी अदर कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, उसके सारे जो स्टोर्स हैं, ऑफलाइन स्टोर्स जो हैं, उसे शट डाउन कर दो। सभी लोगों को हमारे गवर्नमेंट ने कहा था कि बंद कर दो जितने भी स्टोर्स हैं। उसके बाद ऑनलाइन भी जो भी नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि ऑनलाइन भी सिर्फ एसेंशियल चीज़ें ही मिलेंगी, बाकी अदर कैटेगरी की चीज़ें वहाँ भी नहीं मिलेंगी जो लोग खरीद पाएँ, सिर्फ ज़रूरत का जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसे ही लोग परचेस कर पाएँ। तो इसके कारण क्या हुआ कि सिर्फ एसेंशियल चीज़ें ही बिक रही थी, लेकिन जैसे ही अभी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें थी, जो प्रोडक्ट्स हैं, अब वो भी खुल गया है, उसका मार्केट खुल गया है। जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स थी तो उसका जो ऑफलाइन मार्केट था, ऑफलाइन शॉप था, वो तो खुल ही गया, लेकिन ऑनलाइन भी खुल गया है। तो जितने भी हमारे यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो अभी भी ऑफलाइन बाहर जाने से डर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड के कारण खतरा बना हुआ है, बाहर निकलना नहीं चाहिए वैसे तो, और लोग सोच भी रहे हैं कि हम नहीं जाएं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन सेल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा। अगर बात करूं तो 50% से लेकर 80% जो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस है वो रेज कर रहा है। जो भी हमारे जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर डे बाई डे सेल इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है, अगर मैं बात करूँ स्नैपडील, स्नैपडील के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो स्नैपडील के ऊपर में कौन कौन से ऐसे कैटेगरीज़ हैं जो भी चल रही हैं, जिसपे अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन हम घर बैठे बैठे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़े और अपना लैपटॉप पे अपना बिज़नेस करें और पैसा अर्न करें, तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल कर सकते हैं स्नैपडील पे, जो स्नैपडील पे सेल करना चाहते हैं। तो लाइक अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्या है, तो योगा और एक्सरसाइज से रिलेटेड, यानी कि फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, योगा मैट्स हो गया या फिर एक्सरसाइज जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो आप अगर आप सेल करते हैं स्नैपडील के ऊपर में तो आपका बहुत चलेगा। उसके अगर हम बात करें, अभी सब घर में हैं सभी लोग, तो क्या है कि लैपटॉप पे या फिर स्मार्टफोन पे सभी काम करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लैपटॉप पे कनेक्टेड हैं सभी लोगों से, या फिर अपना कोई काम करना हो, ऑफिस का वर्क करना हो, तो लैपटॉप के ही थ्रू हो सकता है, तो लैपटॉप इंपॉर्टेंट है। तो लैपटॉप से रिलेटेड कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग अभी परचेस कर रहे हैं और उसे आपको सेल करना चाहिए, तो वो है लैपटॉप टेबल। लैपटॉप टेबल जानते हैं छोटा सा होता है जिसके ऊपर आप लैपटॉप को रख के और आराम से काम कर सकते हैं बेड पे बैठे हुए, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे हैं तो बेड पे लेटे हुए हैं, लैपटॉप टेबल को रखे हैं, उसके ऊपर लैपटॉप को डाला और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फिटनेस हो गया, फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट, और ये लैपटॉप से रिलेटेड जो लैपटॉप टेबल है ये हो गया। अगर मैं बात करूँ किड्स में, तो किड्स का जो टॉयज़ है, इंडोर गेम्स, जितने भी इंडोर गेम्स है किड्स के टॉयज़ में, तो अगर आप वो सेल करते हैं स्नैपडील के ऊपर में तो वो भी बहुत चलेगा। अगर मैं बात करूँ अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है लाइक ग्रॉफर है, लाइक अमेज़न है, तो इसके ऊपर भी, अमेज़न के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, कौन कौन से कैटेगरी में, या फिर बात करें ग्रॉफर्स के ऊपर, तो एसेंशियल चीज़ेस के साथ और भी क्या क्या चीज़ें अगर आप लिस्ट करते हैं कौन उस कैटेगरी में, तो आपका जो सेल है बहुत आएगा, आपके प्रोडक्ट्स बहुत सेल होंगे। लाइक मैं बात करूँ ग्रॉसरी, तो सबसे नंबर वन पे मेन ग्रॉसरी जो अमेज़न पे आप कर सकते हैं सेल, या फिर आप स्नैपडील पे, ये अमेज़न पे कर सकते हैं, या फिर ग्रॉफर्स पे कर सकते हैं सेल। अगर मैं बात करूँ फ्रोज़न फूड्स जो होते हैं, फ्रोज़न फूड्स जानते हैं आप, जो भी फ्रोज़न चीज़ें में, फ्रोज़न कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो चीज़ें हो गई। लाइक मैं बात करूँ डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में ब्रेड हो गए या फिर मिल्क हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चल रही हैं। उसके बाद बात करूँ जो अभी के टाइम में जो जो बहुत नीडेड प्रोडक्ट है, सैनिटाइज़र, मास्क,
ये जो नेसेसरी चीज़ें हैं इसकी कैटेगरी जो है, इसकी जो लिस्टिंग है, अगर आप करते हैं इसका बिज़नेस करते हैं, अगर आप अमेज़न पे या फिर ग्रोफर्स पे, तो ये चलेगा आपका। अगर मैं बात करूँ फिटनेस बैंड, जानते हैं फिटनेस बैंड जो हम फिटनेस करते हैं, और बैंड जो हाथ में लगाते हैं, देखते हैं कि रेटिंग क्या है, हम कैसा जो भी फिटनेस कर रहे हैं सारा कैलकुलेटेड कैलकुलेशन होता है फिटनेस बैंड के ऊपर में, तो वो चीज़ें चलेंगी। अगर मैं बात करूँ एक और मेन प्रोडक्ट जो है, जो अभी के टाइम में कोविड से रिलीफ, या फिर आप कोविड से आपको अगर परेशानी हो रही है, अगर आपको कोरोना वायरस हुआ है, या फिर आपको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कितना आपका ऑक्सीजन लेवल है, दैट्स वाई आप उसका आप इलाज करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो वो है ऑक्सीमीटर। जानते हैं आप ऑक्सीमीटर जो हाथ में उंगली में फिंगर में लगाते हैं और उससे पता करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कितना है आपका, उससे आप फिर आप अपने हेल्थ का इलाज कराते हैं। तो ऑक्सीमीटर ये जो कैटेगरी, ये भी बहुत चल रहा है। तो जो मैंने अभी आपको बताया है कैटेगरी, उस इस कैटेगरी में अगर आप डील करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं अभी के टाइम में, तो आपका बहुत सेल होगा एकदम सेम इसी कैटेगरी पे। अगर आप किसी और कैटेगरी में हाथ डालते हैं तो हो सकता है उसमें उतना सेल नहीं आए, लेकिन अगर इस पे करते हैं सेल तो बहुत आपका बिज़नेस अभी के टाइम में ग्रो करेगा, अभी जो हालात चल रहे हैं इसमें। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहिए, आप भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स या फैमिली में शेयर कर सकते हैं जो भी अभी के टाइम में इस कैटेगरी में डील करना चाहते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए